टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 57 के बाद प्लेऑफ की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन सी चार टीमें होगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली है, साथ ही बताऊंगा कि इन टीमों के अब कितने मैचेस बाकी बचे हुए हैं और क्या इनकी नेट रन रेट है और किस तरीके से ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस टाटा आईपीएल 2022 से प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है। वहीं गुजरात टाइटंस ऑफिशियली रूप से आईपीएल 2022 की पहली वो टीम बनी है जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स भी इस वक्त 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर बनी हुई है। कुल मिलाकर ये दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं बात करें अब नंबर 3 और 4 के लिए 7 टीमों में लड़ाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स ने 14 पॉइंट बना लिए हैं 7 मैच जीत कर और अब इनके 3 मैच शेष है, उसमें से केवल एक मुकाबला इनको जीतना है। वो 3 जो मुकाबले हैं इनके दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जॉन्स और सीएसके के बीच में, और इनकी नेट रन रेट भी काफी शानदार है, तो काफी सारे चांसेस बनते हैं कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं बात करें आरसीबी की तो आरसीबी के भी इस वक्त 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर बैठी हुई है, लेकिन इनके मात्र 2 ही मुकाबले शेष है और 2 में से 1 मुकाबला इनको जीतना जरूरी है। वहीं बात करें इनकी नेट रन रेट माइनस में तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। वहीं बात करें इनके मैचेस बचे हैं वो पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस, जो कि बेहतरीन फॉर्म है, इन टीमों के साथ इनका मुकाबला है, तो कुल मिलाकर इनका भी 90% चांस है कि ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि इनकी गाड़ी अभी अपने हाथ में है कि दोनों मुकाबले जीतकर आसानी से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती हैं। वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, शुरुआत टाटा आईपीएल 2022 में बेहतरीन अंदाज में की थी, लेकिन अब इनको प्लेऑफ्स में जाने के लिए 3 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे। वहीं बेहतर नेट रन रेट के साथ भी खेलना होगा, क्योंकि इनके आने वाले 3 मैचेस जो हैं राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, इन बेहतरीन टीमों के साथ है, तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स को अब काफी कुछ झकझोर करना पड़ेगा प्लेऑफ्स में जाने के लिए, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इनकी प्लेऑफ्स में जाने की चाबी इनके हाथ में ही है, क्योंकि इनको अभी दूसरे किसी भी टीमों के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 3 मैच जीतो 16 पॉइंट्स के साथ प्लस नेट रन रेट के साथ प्लेऑफ्स में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, इनकी नेट रन रेट भी माइनस में है और 3 में से 3 मुकाबले इनको जीतने होंगे, क्योंकि इनके सामने जो टीमें हैं केकेआर, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के साथ इनका मुकाबला होने वाला है। शुरुआत में ये टीम बेहतरीन खेली थी, लेकिन अंत में आते आते प्लेऑफ्स का रास्ता कहीं ना कहीं भटक गई है, काफी मुश्किल चांसेस होने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। वहीं बात करें केकेआर की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर है, उनके मात्र 10 पॉइंट है और इनकी नेट रन रेट भी माइनस में है। कुल मिलाकर इनके 2 मुकाबले शेष है, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ होने वाले हैं। अगर ये टीम 2 में से 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रहती तो भी इनके 14 पॉइंट होने वाले हैं। कुल मिलाकर इनका दूसरे टीमों पर निर्भर रहना अब है, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। 2 मुकाबले जीतने के बाद भी इनके मात्र 14 पॉइंट्स होंगे, वो भी बड़े अंतर से जीतने होंगे, और साथ ही दुआ करनी होगी कि सीएसके, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हारे। ही बात करें नंबर 8 की पोजीशन में पंजाब किंग्स की टीम बनी हुई 10 पॉइंट्स के साथ, इनको 3 में से 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे जो कि आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले हैं। इनकी नेट रन रेट काफी खराब है, जिसकी बदौलत इनके प्लेऑफ में जाने के चांसेस काफी कम है। हालांकि प्लेऑफ में जाने के लिए अभी तक सारी चीजें इनके हाथ में, क्योंकि 3 में से 3 मुकाबले जीतो, बड़े नेट रन रेट के साथ 16 पॉइंट्स के साथ ये टीम प्लेऑफ्स में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं बात करें डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इस समय 8 पॉइंट के साथ नंबर 9 पर बनी हुई है और इनके 3 मुकाबले अभी बाकी हैं, जो कि मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। इनकी नेट रन रेट जरूर प्लस में है, लेकिन प्लेऑफ्स में जाने के लिए इनको अब दूसरी टीमों पर भी निर्भर रहना होगा और अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीतने होंगे। वहीं दुआ करनी होगी कि आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की टीमें बड़े अंतर से हारे, वहीं मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस इनके मुकाबले जीते। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स अब किस्मत के सहारे टाटा आईपीएल 2022 में बनी हुई है। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि प्लेऑफ्स में जाने वाली वो चार टीमें कौन सी होगी, जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।